नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। आज लंबे अंतराल के बाद जदयू ऑफिस में जनता दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनेक लोग आए। जनता दरबार में आज लेसी सिंह और विजय चौधरी आए। खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह और शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण जनता दरबार बंद था, लेकिन अब सभी मंत्री लोग आ गए हैं और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। यह बहुत दिन से चल रहा है, यह पार्टी के बहुत अच्छा प्रयास था। हम लोग भी पार्टी कार्यकर्ताओं का काम करना चाहते हैं। यह पार्टी का अच्छा काम है कि इस तरह का आयोजन पार्टी दफ्तर में हो रहा है। देखिए, ये पहले से ही इसकी शुरुआत की गई है पार्टी के द्वारा। बीच में कोरोना का समय आ गया, फिर विधानसभा सत्र चालू हो गया, इसके कारण थोड़ा लंबे अंतराल के बाद फिर से पार्टी दफ्तर में सभी हमारे माननीय मंत्रीगण बैठते हैं, जो तिथि निर्धारित है। तो आज हम लोग भी उपस्थित हुए हैं। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम लोग हैं, उनकी जो समस्या रहती है उसको सुनते हैं और उनका समाधान करने का भरसक प्रयास करते हैं। ये पार्टी के द्वारा बहुत ही अच्छी पहल है और सभी मंत्रीगण उपस्थित होते हैं, सभी समस्या सुनते हैं। शुरुआत हुई है, किस विभाग से जुड़े आज मामले आए हैं? सही बात है कि आज से फिर से मतलब पार्टी में मंत्रियों की उपस्थिति का सिलसिला शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि ये हम लोगों के सरकार की नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये एक अनोखी पहल होती है, जब जो सरकार में मंत्रीगण होते हैं वो पार्टी दफ्तर में आकर खास तौर से पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपने विभाग से जुड़े मामले या शिकायतों को सुनते हैं और उसके निदान का प्रबंध करते हैं। और इसी सिलसिले में कुछ दूसरे लोग भी आ जाते हैं, सामान्य लोग भी आते हैं, तो हम लोग उनका भी सुन लेते हैं। वैसे तो सभी मंत्रीगण अपने कार्यालय में आवास पर मिलते ही हैं, लेकिन पार्टी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी के मंत्रियों के मिलने का एक विशेष महत्व होता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक गौरव बोध होता है, उनको भी लगता है जो मंत्री हैं, हम लोग भी मानते हैं कि हम लोग भी आज मंत्री हैं तो पार्टी के बल पर ही हैं, नेता के ही बल पर हैं। तो पार्टी दफ्तर में आके कार्यकर्ताओं से मिलना, उनकी बातों को सुनना और उनके लिए कुछ करने की चाहत हम लोगों की भी होती है। इसलिए ये न सिर्फ एक अनोखी पहल है बल्कि अच्छी परंपरा है। और एक लंबे अंतराल के बाद, 2 साल करीब कोरोना में आ गया, फिर चुनाव हो गया, फिर विधानसभा सत्र चलने लगा, नहीं तो इसकी फिर से शुरुआत करने की सोच हम लोगों की लगभग 3-4 महीने पहले से चल रही थी, लेकिन बीच में विधानसभा सत्र हो गया, फिर चुनाव सब आ गए, लेकिन अब शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे लोग भी देख रहे हैं, धीरे धीरे आना शुरू कर रहे हैं, लोगों के पास धीरे धीरे बातें पहुंचती हैं तो स्वाभाविक रूप से लोग आते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छी परंपरा भी है और इसके अच्छे नतीजे भी आते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।